मनीष जायसवाल, मार्जिन की बात करें तो 1,10,000 सातवें राउंड तक जो है मार्जिन 1,10,000 का है। उनका टोटल वोट की बात करें पहले पायदान पे है 2,55,356 जो है वोट अभी तक ला चुके हैं। क्या लगता है सर, 1,10,000 के मार्जिन से अभी भी पीछे किए हुए हैं, 4,00,000 पार हो जाएगा? देखिए, लड़ाई इस बात की नहीं थी कि 4,00,000 पार होगा कि 5,00,000 पार होगा। लड़ाई इस बात की थी कि जो हमारे विचारधारा के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग हैं, उनका मत हम लोग को प्राप्त होना चाहिए। तो लगभग 67-70% इस तरीके से मत हम लोग को मिलना चाहिए। देखते हैं क्या कम बेसी आता है। हर चुनाव का अपना अलग अलग तासीर रहता है, अलग अलग प्रत्याशी रहते हैं, अलग अलग मुद्दे रहते हैं। 19 का अलग मुद्दा था, अभी का अलग मुद्दा है, 29 का कुछ अलग मुद्दा रहेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या रहेगा। तो मनीष जायसवाल के चेहरे पे ग्लेज आप देख सकते हैं और ऐसे में विक्ट्री का साइन दे रहे हैं, साथ में मनीष जायसवाल के और भी जो भी कार्यकर्ता हैं। और लगभग वैसा ही है जो हम लोगों ने सोचा था, वैसा ही है। कितनी खुशी की बात है सर, दोहरी खुशी है कि एक तो यहाँ से हम लोग जीत रहे हैं सीट, पुनः भारतीय जनता पार्टी सीट को रिटेन कर रही है और इस देश में भी हम लोग जो है पुनः सरकार अपना रिपीट कर रहा है, दोहरी खुशी है। सात राउंड में ये हाल है सर, तो क्या लगता है कि 25 राउंड होते होते क्या कुछ तब्दीली हो सकती है, क्या मार्जिन रहेगा? हम लोग 3,00,000 के आसपास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, 3,00,000 से प्लस। शुक्रिया मनीष जायसवाल हमारे साथ थे। और ऐसे में आपने सुना मनीष जायसवाल ने क्या कहा, आपको एक बार फिर से बता दूं, लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के मनीष जायसवाल, एनडीए को लीड कर रहे हैं और ऐसे में ये अभी वर्तमान के विधायक भी थे हजारीबाग से। और ऐसे में जो है कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के चूंकि वोटों की गिनती हो रही है बैलेट पेपर से लेकर के ईवीएम की, और अभी 25 राउंड होने हैं टोटल ओवरऑल, तो क्या कुछ कहा जा सकता है? ये अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, फिलहाल भरी दोपहरी अभी है और ऐसे में 7 राउंड लगभग हो चुके हैं, 7 से 8 राउंड में 1,10,000 का मार्जिन जो है जेपी भाई पटेल दूसरे पायदान पे और फर्स्ट पायदान पे जो है मनीष जायसवाल में। क्या अपडेट आता है लगातार आपको बताएंगे, देखते रहें हजारीबाग अपडेट्स। शुक्रिया।